नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की रेल सहयोग योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की वर्ष 2022 तक नया भारत बनाने के विजन एवं मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय रेल की प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रेल सहयोग वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस वेब पोर्टल के माध्यम से जो है निजी कंपनियों के कारोबारी जो है प्राइवेट सेक्टर के कारोबारी है देश के, वो जो है सरकारी कंपनी के साथ मिलकर, रेल विभाग के साथ मिलकर जो है अपने सेवाओं का योगदान दे पाएंगी देश की उन्नति में। दोस्तों, इस वेब पोर्टल का जो संचालन है वो 11 सितंबर 2018 से किया गया है और योजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय द्वारा रेल सहयोग वेब पोर्टल के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर, रेल सहयोग वेब पोर्टल पर, जो भी कारोबारी देश के सरकार के साथ रेलवे के उत्थान में मदद करना चाहेंगे उनको अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा और इसके बाद जो है रेलवे द्वारा उस पंजीकरण को स्वीकार करने के बाद उनका चयन, वो अपना सहयोग दे सकेंगे योजना में, योजना रेल सहयोग योजना के साथ काम करने करके देश के उन्नति में अपना सहयोग दे सकेंगे। तो दोस्तों, इस योजना रेल सहयोग योजना के तहत जो है रेलवे स्टेशनों पर जहाँ रेलवे की आमदनी बहुत कम है, जिन छोटे छोटे स्टेशनों पर, और यात्रियों की सुविधा की प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि प्रकाश, रोशनी, रेलवे स्टेशनों पर रोशनी नहीं है, बल्ब वगैरह, लाइटिंग की सुविधा और बैठने हेतु बेंच, पैसेंजर्स के बैठने के लिए बेंच की कमी है और स्वच्छ पानी नहीं है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है उसकी, रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग रूम की व्यवस्था नहीं है या वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं है, और इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा एवं स्टेशनों को स्वच्छ रखने हेतु कूड़ेदान, प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन आदि की व्यवस्था नहीं है, जो कि इस योजना के साथ कारोबारी जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको अवसर दिया जाएगा सरकार के साथ काम करके इन सब चीजों की व्यवस्था करने में, जिससे देश की और रेलवे की प्रगति हो और नागरिकों को सुविधा मिल सके, रेलवे स्टेशन पर वाईफाई और वेटिंग वातानुकूलिंग वेटिंग रूम आदि की व्यवस्था किया जा सके, जिससे रेल से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को सुविधा मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए जो है इस योजना के अंतर्गत जो है प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए लाइटिंग की व्यवस्था, बैठने हेतु बेंच, स्वच्छ पानी, वेटिंग रूम, वाईफाई आदि की व्यवस्था किया जाएगा और यात्रियों के हाइजीन को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे स्टेशनों पर कंडोम वेंडिंग मशीन एवं कम कीमत वाली सैनिटरी वेंडिंग नैपकिन मशीन को स्थापित किया जाएगा और पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर 2175 प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों द्वारा प्रयोग किए गए प्लास्टिक बोतल को मशीन में डालकर नष्ट कर दिया जाए, से पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण प्रदूषण न हो और सभी रेलवे स्टेशनों पर शौचालय एवं कूड़ेदान की व्यवस्था करना आदि इस योजना का मकसद है। और दोस्तों, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो देश के कारोबारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनका समाज के प्रति जो है कुछ उत्तरदायित्व बनता है, इसके लिए CSR फंड का आयोजित की जाएगी। इसके लिए रेलवे द्वारा जो है
एक फंड आयोजित की जाएगी जिसमें ये कारोबारी अपना निवेश करेंगे और उस धन से जो है रेलवे के उत्थान में वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों योजना के तहत सभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा हेतु व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए कंपनी के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्राइवेट सेक्टर के कारोबारियों को दिया जाएगा देश के, और जो है इसके लिए सरकार के साथ काम करने के लिए इस योजना के तहत कारोबारियों को रेल सहयोग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा और कंपनियों फिर चयनित कंपनियों को RITES और रेलटेल जैसी भारतीय रेल एजेंसियों में फंड जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो CSR फंड है उनको इन एजेंसियों के तहत जो है के फंड इन एजेंसियों के फंड में जमा करने के लिए कारोबारी अपना जमा करेंगे फंड और उस जो है फंड से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होगी CSR फंड उससे प्लेटफॉर्म की सुविधा को विकसित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के कारोबारी अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए उनको जो भी भाई बहन इसमें अपना जो है योगदान प्रदान करना चाहते हैं रेलवे के साथ मिलकर काम करने में देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं उनको रेल सहयोग वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। दोस्तों इसके लिए जो है गूगल वेब ब्राउजर पर जाना होगा आपको यदि आप सरकार के साथ मिलकर इस योजना के तहत काम करना चाहते हैं तो रेल सहयोग वेब पोर्टल पर आपको अपना पंजीकरण करने के लिए यहाँ गूगल वेब ब्राउजर में railsahyog.in लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा तो ये विकल्प खुलकर आ जाएगा रेल सहयोग। इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्लिक करने के बाद रेल सहयोग का वेब पोर्टल खुल जाएगा। इसके अंदर जो है सर्विसेज प्रोजेक्ट्स के डिटेल प्रोजेक्ट्स दिए होंगे तो जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जिन प्रोजेक्ट के साथ आपको अपना पंजीकरण कराना है इस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर सरकार के अंतर्गत आपको सरकार के साथ सहयोग प्रदान करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर के नीचे व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये टॉयलेट बनाने में यदि आप सहयोग करना चाहते हैं रेलवे वाईफाई डस्टबिन लगवाने में स्टेशनों पे स्टील बेंचेस लगवाने पे प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन में और या अदर किसी तरह के प्रोजेक्ट्स में आप करना चाहते हैं तो अदर व्यू डिटेल करके देख सकते हैं। तो यदि आप जो है रेल वाईफाई पर प्रोजेक्ट के साथ सरकार के साथ मिलना चाहते हैं मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस पे व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों तो इसकी खुलकर आ जाएगा कि आपको फिर इसमें ये खुलकर आ गया इसमें आपको शो इंटरेस्ट पर विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप जो है इसके रेलवे वाईफाई के साथ रेल वाईफाई लगवाने में मदद करना चाहते हैं तो यहाँ शो इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के बाद जो आप सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण हो जाएगा रेल सहयोग पोर्टल पर और इसके बाद जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको अपने पास रखना होगा। तो दोस्तों ये देखिए ये खुलकर आ गया है तो इसमें अब आपको अपने प्रदेश का नाम चुनना होगा कि आप किस प्रदेश के हैं किस प्रदेश से हैं कारोबारी जो आप इस योजना के तहत काम करना चाहते हैं तो आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये खुलकर आ जाएगा आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको अपना ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्टेशन किस स्टेशन पे आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं किस स्टेशन के उत्थान के लिए उस पे आप किस स्टेशन पे वाईफाई लगवाना चाहते हैं उस पे आपको
क्लिक करना होगा शो इंटरेस्ट पे उठाना होगा। तो यदि आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पेज बहुत सारे दिए हैं, अगर आप इसमें नेक्स्ट कर करके दूसरे पेज में किसी भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं और स्टेशन है उनके नाम देख सकते हैं, जिस स्टेशन पे आप जो चाहे उसमें शो इंटरेस्ट कर देंगे। तो अगर आप आगरा स्टेशन करना चाहते हैं तो शो इंटरेस्ट यहाँ कर देंगे। ये पेज खुलेगा आपके सामने, ये फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो है लिखा हुआ है, यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश है, जोन NCR कैटेगरी, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें आप आपको मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी सब लिखना होगा और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी लिखना होगा। यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखना होगा जिस कारोबार को आप कर रहे हैं, अपने बिजनेस की कंपनी का नाम लिखना होगा, एड्रेस बिजनेस का लिखना होगा, पैन कार्ड नंबर, CIN, GST नंबर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आप अपना नेम, ईमेल आईडी ये सब लिखेंगे दोस्तों। लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ सबमिट पर भी क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण की आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको रेल एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसको आपको सेव करके रख लेना है। उससे आप जो है अपने आवेदन की स्थिति जो है जांच कर सकेंगे कि आपका चुनाव हुआ कि नहीं इस योजना में सरकार के साथ काम करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।